इकट्ठा हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है, ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते हो गए और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला वो अनुभव भी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं और साधारण रूप से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब नातों नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है, हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों आप पूछिए, क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से उन्होंने राजनीति जब से वो राजनीति में आए कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं थे, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे, कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी